ये जो पिछले कल जो हमारी टीम जो है उसमें NDPS की जो डिटेक्शन टीम है वो एरिया में एक्टिविटी थी, उस दौरान जो है एक गाड़ी को रोक के उसकी चेकिंग की गई, तो उसमें 1160 प्रोक्सोबिन पास जो कि ये नारकोटिक सब्सटेंस में जो टैबलेट्स हैं वो उसके पास से मिले, और ये व्यक्ति जो है ये कठुआ जम्मू का रहने वाला पता चला है, सुमित खजूरिया। इसके साथ जो गाड़ी जो है उसको भी जो सीज़ किया गया है, पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवा में जो NDPS एक्ट के तहत ये मामला दर्ज है, और फर्दर इसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है कि ये जो इतने कैप्सूल्स थे ये कहाँ और किसको देने थे और साथ में इसका सोर्स क्या है, तो उस पर पुलिस अब फर्दर की पुलिस टीम जो है अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी और कोर्ट से पुलिस रिमांड लेके हम आरोपी को जो है पुलिस रिमांड में लेके उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन को हम इसमें आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये ड्रग्स के रिलेटेड जो तस्करी है उसमें लगातार जो है कांगड़ा पुलिस प्रयासरत है और सिर्फ जो है एक व्यक्ति को ना पकड़ के पूरी चेन को ढूंढने में हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। ये अपर ट्रेंड इसमें देखने को मिल रहा है और इसमें पब्लिक का भी हमें सहयोग मिलने शुरू हुआ है, जिसमें कुछ जानकारी पब्लिक के माध्यम से हमारे से शेयर की जा रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके माध्यम से जो भी लोग इस तरह की मुहिम में हमारा साथ देना चाहें तो वो हमें बिना किसी संकोच के हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर बात कर सकते हैं और ऐसी जानकारी दे सकते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो पूरी चेन है उसको हम ब्रेक कर पाएँ, और ना सिर्फ सप्लायर बल्कि जो जिस तरह से ये ग्रुप में काम कर रहे हैं और किस तरह से टारगेट खासकर यंगस्टर्स पे किया जा रहा है उस पर हम अपना काम कर सकते हैं। कांगड़ा में देखिए कैश सीजर्स हुए हैं अभी हाल ही में, नूरपुर पुलिस को हमने सहयोग किया था जिसमें करीब 7.5 लाख रुपये जो है कैश सीज हुआ था, उसके साथ ही गाड़ियाँ जो हैं करीब जो है 10 डिफरेंट व्हीकल्स जो हैं पिछले भर में जो हैं इस मामले में NDPS के मामलों में सीज किए गए, और इनके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर्टी की डिटेल्स और अन्य जो लैंड इन्वेस्टमेंट्स है या इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया जा रहा है, तो ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, और इसमें क्योंकि हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंफर्मेशन ऑर्डर्स भी लेने होते हैं वो प्रक्रिया को भी हम पूरा कर रहे हैं। जिस भी केस में NDPS में क्वांटिटीज़ पकड़ी जा रही हैं उस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के एंगल को पुलिस टीम द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और जहाँ पे भी इलीगल प्रॉपर्टी या इलीगल कैश की संभावना बनती है उसको हम इनिशियली फ्रीज करके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए हम भेजते हैं ताकि वहाँ से जो है इसका कंफर्मेशन हो पाए और ये प्रॉपर्टीज़ को जो है पुलिस टीम द्वारा सीज करके आगे लीगल प्रक्रिया पर मारी जाए।